हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टू पराठा रेसिपीज़, जहाँ पे इट डजंट रिक्वायर नीडिंग और रोलिंग। आई एम गोइंग टू मेक टू पराठास विद लिक्विड डो। तो एक टाइप ऑफ पराठा मैं बनाने वाली हूँ, वो है गार्लिक ग्रीन चिली पराठा, और दूसरा जो है वो मैं बनाने वाली हूँ अनियन पराठा। तो अनियन पराठा के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ चॉप्ड अनियन, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एज पर टेस्ट, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज मैं गार्लिक पराठा में यूज़ करूँगी, अनियन पराठा में मैं यूज़ कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वाटर। तो मैंने क्या किया है, मैंने टू टाइप्स ऑफ पराठा बनाने के लिए 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर दो अलग अलग बोल्स में ले लिए हैं, एंड आई एम प्रिपेयरिंग इट सेपरेटली। थोड़ा सा ऑयल में ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों को मैं अच्छे से वाटर के साथ मिक्स कर लूँगी। वाटर मैंने ऐड किया है स्लाइटली, लिटिल बिट ऑफ मोर, एंड आई डोंट वांट एनी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लम्स नहीं होने चाहिए, तो इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आप यूज़ करोगे, एंड दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी आपको चाहिए रोलिंग पराठा के लिए। और इसको ढक के मैं 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी, और जैसे ही 10 मिनट्स हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया पैन। पैन में मैंने ले लिया थोड़ा सा वाइट ऑयल, इसको मैं ब्रश कर ले रही हूँ, एंड आई एम गोना ऐड द लिक्विड डो व्हिच आई हैव मेड। सो फर्स्ट आई एम मेकिंग गार्लिक पराठा। तो गार्लिक पराठा का डो मैंने ले लिया है, और गार्लिक पराठा के डो में मैंने चॉप्ड गार्लिक यूज़ किया है, आई हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, आई हैव यूज्ड चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज। एंड देखिए, without any effort I'm gonna make tasty, yummy, delicious garlic parathas। कैसे ही एक साइड हो जाए तो मैं दूसरा साइड में टर्न कर दूंगी। और साइड में प्रेस करके आपको अच्छे से पका लेना है। तो ये आपके बन गई है गार्लिक पराठा, एंड नाउ मैं बना रही हूँ अनियन पराठा। तो आई हैव टेकन द सेम वे, आई हैव एडेड ऑयल, देन आई एम एडिंग द अनियन पराठा मिक्सचर। देन अनियन पराठा मिक्सचर आई हैव यूज्ड सेम 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर, चिली फ्लेक्स, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड अनियन एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। और सिमिलरली इसको भी बना लूंगी मैं। तो यहाँ पे मेरे गार्लिक पराठा बनके तैयार है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बन रहे मेरे अनियन पराठा। See, it's so easy to make, no need of kneading and rolling, liquid dough से फटाफट बन जाती है ये दो पराठे। और इन दो पराठों को मैं सर्व करने वाली हूँ गार्लिक कोरिएंडर चटनी के साथ। ये कोरिएंडर गार्लिक चटनी जो है ये मेरे चैनल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दो रोलिंग पराठास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि सभी
न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाय एंड टेक केयर, मीट यू विद नेक्स्ट ब्लॉग और रेसिपी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।